दबंग मीडिया में आपका स्वागत है। औरंगाबाद शहर के शासकीय रुग्णालय परिसर में प्रधानमंत्री जन औषध केंद्र पर दवाओं की कीमतों को दोगुना करके गरीब जनता को बेचा जा रहा है। इस बात का पता तब चला जब रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया खरात के विद्यार्थी आघाड़ी के महाराष्ट्र प्रमुख मनीष नरवड़े के पास कुछ लोगों ने आकर इस बात की शिकायत की। मनीष नरवड़े ने जन औषध केंद्र पर जाकर पूछताछ की तो उन लोगों ने उनसे सीधी तरीके से बात नहीं की और उन्हें मुंहजोर जवाब दिए। मनीष नरवड़े और जेनरिक मेडिसिन केंद्र के बिल को और सामान्य मेडिकल के बिल को जब देखा तो जेनरिक मेडिसिन केंद्र के बिल में दवाओं की कीमत दोगुनी बढ़ाकर लगाई गई थी। इसके बाद मनीष नरवड़े का कहना है औरंगाबाद शहर के शासकीय रुग्णालय में देहात के असुशिक्षित और मजदूर तबके के लोग आते हैं जिसका फायदा उठाकर प्रधानमंत्री जन औषध केंद्र के लोग इन्हें दोगुना दाम बढ़ाकर दवाओं को बेच रहे हैं और गरीब जनता को लूट रहे हैं। इसके बाद मनीष नरवड़े ने अधिष्ठाता साहब डॉक्टर विकास राठौड़ को निवेदन किया और उनसे अपील की कि इन जेनरिक केंद्रों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर गुना दाखिल की जाए और इनके लाइसेंस रद्द किए जाए। और जनता से मनीष नरवड़े ने अपील की कि महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में इस तरह के जेनरिक मेडिसिन केंद्र पर दामों को बढ़ाकर अगर बेचा जाता है तो वो उनसे संपर्क करें। दबंग मीडिया औरंगाबाद। चेवीम, मी मनीष नरवड़े, महाराष्ट्र प्रमुख, रिपाई खरात विद्यार्थी आघाड़ी। संपूर्ण जग कोरोनाच्या संकटात सापडलेला असताना, जगावरती आर्थिक मंदी आलेली असताना काही मुजोर मेडिकल मालक आपला खिसा भरण्यासाठी सर्रासपणे ग्राहकांना औषधी हे चढ्या भावाने विक्री करून ग्राहकांची लूट करत आहे। त्यातलाच काहीसा एक प्रकार आज औरंगाबाद जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालय घाटीच्या आवारामध्ये असलेले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र या ठिकाणी घडलेला आहे। ह्या औषधी केंद्रामध्ये मिळणारे जे औषध आहे, या टॅबलेट्स आहे, त्याच कंपनीचे औषध आणि टॅबलेट्स बाहेर ह्या कमी किमतीत मिळतात आणि ह्या औषधी केंद्रामध्ये ते अधिकच्या भावाने मिळत आहे। त्याच्या पावत्यासुद्धा आमच्याकडे होत्या। त्या संदर्भामध्ये रिपाई खरात पक्षाच्या वतीने आज माननीय अधिष्ठाता साहेब डॉक्टर विकास राठोड यांना पक्षाच्या वतीने सविस्तर निवेदन देऊन त्यांच्यावर तात्काळ कडक कारवाई करण्याची मागणी आम्ही आमच्या पक्षातर्फे केलेली आहे। त्यांचा परवाना रद्द करावा, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा आणि इथून पुढे कुठेही महाराष्ट्रात जर असे प्रकार घडत असल्यास त्या ग्राहकाने किंवा त्या गरीब व्यक्तीने आमच्याशी संपर्क करावा ही विनंती करतो। जय भीम। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।